हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूँ इरफान। टैक्सीडो सॉल कॉलर का ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कोट का स्लीव कटिंग करना बता रहा हूँ, बाजू की कटिंग इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बैक कटिंग करना बताया था और सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को फ्रंट और इसका साइड पीस कटिंग करना बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियो में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस कोट का स्लीव कटिंग करना सीख रहे हैं, ये पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम लोग बाजू कटिंग करेंगे। तो स्लीव कटिंग करने के लिए ऊपर से कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है सीधा और यहाँ से भी कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। अब दोस्तों, इस मार्क में मेजरमेंट टेप को ऐसे रखना है और हमने कोट में शोल्डर डाउन किया था बैक और फ्रंट में 2 इंच, तो यहाँ भी शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। आर्म होल डाउन करेंगे, जितना भी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करके यहाँ मार्क लगाना है। सीना है 36 इंच, 36 का छठा हिस्सा करेंगे तो 6 इंच, 6 × 36 और यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे। स्लीव की लंबाई है 25 इंच, 1 इंच प्लस करके 26 इंच में मार्क लगाएंगे। जितना भी स्लीव का लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। अब इस मार्क को एक और मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे सीधा। अब इस वाले मार्क से एक मार्क लगाना है 1 इंच पे। ये 1 इंच मार्क लगाकर इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। और अब इस वाले मार्क से यहाँ एक मार्क लगाएंगे हम 1.5 इंच पे, 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच। और अब शेप स्केल से यहाँ इसको और यहाँ इसको दोनों मार्क को शेप करना है। दोस्तों, हम यहाँ आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल का मार्क लगाने के लिए देखो, हमने इस कोट में आर्म होल डाउन किया है 1.25 इंच। तो क्या करना है, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप याद कर लीजिए। इस वाले मार्क से, ये जो हमने यहाँ से 1 इंच पे लगाया हुआ है, ये जो ऊपर वाला मार्क है, यहाँ से स्लिम फिट के लिए, टाइट फिटिंग के लिए आपको ये पूरा 1.25 इंच ऐसे लगा देना है। यानी जितना हमने आर्म होल डाउन किया है कोट में उतना ही आपको इस वाले मार्क से यहाँ लगा देना है टाइट फिटिंग कोट में। मीडियम फिटिंग कोट में यहाँ से 1 सेंटीमीटर प्लस करना है। ये 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से प्लस कर लिया है। तो रेगुलर फिटिंग कोट में यहाँ से 1 सेंटीमीटर प्लस करना है और लूज फिटिंग कोट में यहाँ से 2 सेंटीमीटर प्लस करना है, मतलब 0.25 इंच प्लस करना है। तो स्लिम फिट कोट में जितना हमने आर्म होल डाउन किया है उतना ही प्लस करना है और मीडियम फिटिंग कोट के लिए 1 सेंटीमीटर प्लस करना है और लूज फिटिंग कोट के लिए 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 इंच प्लस करना है। तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब क्या करना है, ये जो मार्क है, इस वाले मार्क को यहाँ बीच सेंटर कर लेना है, 1.5 कर लेना है। और अब दोस्तों, इस वाले मार्क को यहाँ ऊपर ऐसे स्ट्रेट कर लेना है, यहाँ इसको लगा लीजिए। और ये जो मार्क है यहाँ हम इसको भी ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ अंदर मार्क लगा लीजिए और इस मार्क को यहाँ इस वाले मार्क में ऐसे मिला दीजिए। और अब यहाँ इस मार्क को यहाँ इस वाले मार्क में ऐसे मिला दीजिए। अब क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है यानी ये जो गैप देख रहे हो आप, इसको 1.5 कर लेना है यानी इसका बीच सेंटर लगा लेना है, ठीक है, ऐसे। और अब क्या करना है, देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगाना है और यहाँ से इसको गोलाई करना है।
इस तरह से। अब इस वाले मार्क को, इस वाले मार्क को और यहाँ इस वाले मार्क में, तीनों मार्क में इसको ऐसे स्केल को ऐसे बैठा के गोलाई कर देना है। और अब यहाँ से इसको ऐसे राउंड कर देना है। अब यहाँ हम बॉटम का विड्थ का मार्क लगाएंगे, मोहरी का। तो दोस्तों इसका मोहरी का मेजरमेंट है 10 इंच, यानी 10 इंच ये ऐसे गोलाई में है। अब इसको क्या करना है, इस वाले मार्क से 10 का आधा करेंगे 5 इंच और इसमें 1/4 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से आधा इंच नीचे डाउन करेंगे और यहाँ से आधा इंच ऊपर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हम बॉटम में मार्जिन रख रहे हैं 2.5 इंच का, 2.5 इंच, और यहाँ से भी मार्जिन 2.5 इंच। अब क्या करना है, यहाँ से ऐसे स्केल को रखना है और यहाँ से ऐसे 1 इंच अंदर स्केल को ऐसे रखना है और इस मार्क को ये यहाँ तक लेकर आना है, लगभग 10 इंच, 9 से 10 इंच स्केल को ऊपर कर लेना है और ये जो ऊपर वाला मार्क है इस वाले मार्क में ऐसे लगा देना है। यहाँ से 2 सूत क्रॉस कर देना है और यहाँ भी 2 सूत क्रॉस है। अब इसको इस वाले मार्क में ऐसे लगा देना है और इसको ऐसे। तो ये स्लीव का मार्किंग कंप्लीट हुआ, इसको अब हम कटिंग करेंगे। ये ऐसे स्ट्रेट रख लेना है, यहाँ से इसको ऐसे बराबर कट कर लेना है इसके, यानी ये जो शेप है स्लीव का उसी शेप में इसको भी कट कर लेना है। अब ये वाला जो मार्क है इस मार्क को उठाकर यहाँ इसमें लेकर आना है। ठीक है, ये देखो इस मार्क में हमने इसको, अब यहाँ एक इस मार्क को लगाना है और इस वाले मार्क को यहाँ ऐसे लगा लेना है, यहाँ इस वाले मार्क को ऐसे लगाना है और ये वाला जो मार्क है इसको भी यहाँ पर ऐसे लगा लेना है, है ना। अब दोस्तों इसमें जो हमने मार्जिंग रखा है, यानी हमारा जो मार्जिंग है वो 1/4 इंच का है, 3/4 का। तो अगर आपको मार्जिंग ज़्यादा चाहिए, 1 इंच का चाहिए, तो फिर यहाँ से 2 सूत बढ़ा के कटिंग करना। अगर 1/4 इंच का चाहिए तो 1/2 इंच बढ़ा के कट करना, यानी 1/4 इंच का इसमें मार्जिन है। हम बराबर कटिंग करेंगे तो 1/4 इंच मार्जिन आएगा। अगर आपको मार्जिन जितना ज़्यादा चाहिए उतना यहाँ से प्लस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसको मैं बराबर कट कर रहा हूँ, एकदम बराबर से हम कटिंग कर रहे हैं, तो ये 1/4 इंच का इसमें मार्जिन आएगा। अगर हम 2 सूत बढ़ा के कटिंग करेंगे तो फिर 1 इंच मार्जिन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप मार्जिन बढ़ा सकते हो। अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। अब इसमें हमारा मार्जिन है 1/4 इंच का, तो ये 1/4 इंच का मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से इसको हाफ कर लेना है, इसका बीच सेंटर कर लेना है और फिर इसको भी हाफ कर लेना है। और अब इस वाले मार्क को ऊपर स्ट्रेट कर लेना है और इसको यहाँ इसमें मिला देना है। अब इसको यहाँ से ऐसे इसमें गोलाई कर देना है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा स्लीव कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों, इस टैक्सीडो कोट कटिंग के वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट में बैक कटिंग, सेकंड पार्ट में फ्रंट कटिंग और थर्ड पार्ट में स्लीव का कटिंग करना बताया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा।